चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा दांव खेला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पिनाकी घोष को देश का पहला लोकपाल नियुक्त किया है। लोकपाल को नियुक्त करने वाली कमेटी में पीएम मोदी, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और मुकुल रोहतगी मौजूद हैं। पिनाकी घोष फिलहाल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य हैं। लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, सांसद और सभी तरह के कर्मचारी आएंगे। बुधवार को पीएम मोदी ऑडियो ब्रिज के जरिए देश भर के 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी चौकीदारों से होली के रंग को साझा करेंगे। 31 मार्च को पीएम मोदी मैं हूं चौकीदार कैंपेन से जुड़ने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी पूरे देश में 500 जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने मैं हूं चौकीदार कैंपेन को लॉन्च किया है। लोकसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में सभी बीजेपी सांसदों का टिकट कट सकता है। सभी सीटों पर पार्टी नए उम्मीदवार उतारेगी। बीजेपी छत्तीसगढ़ कोर ग्रुप ने केंद्रीय चुनाव समिति से सभी 11 नए उम्मीदवार देने की गुजारिश की है। यानी 2014 के लोकसभा चुनाव में जीते सभी 10 सांसदों को बदलना चाहते हैं। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति ने इस पर विचार करने के लिए एक दिन का समय मांगा है। गोवा में नए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 21 विधायकों के समर्थन होने का दावा किया है। सावंत ने कहा है कि सभी सहयोगी पार्टियां उनके साथ हैं और बुधवार को विधानसभा में होने वाले फ्लोर टेस्ट में उनकी सरकार आसानी से बहुमत हासिल कर लेगी। दिवंगत सीएम मनोहर पर्रिकर के अंतिम संस्कार के बाद करीब 2:30 बजे प्रमोद सावंत ने सीएम पद की शपथ ली। इससे पहले कांग्रेस ने राज्यपाल मृदुला सिन्हा को चिट्ठी लिखकर सरकार बनाने का दावा ठोका था। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में नेता प्रतिपक्ष राधा कृष्णा विखे पाटिल के अपने पद से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस छोड़ दिया है। इससे पहले राधा कृष्णा विखे पाटिल के बेटे ने सुजय में बीजेपी का दामन थाम लिया। सुजय बीजेपी के टिकट पर अहमदनगर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। सुजय ने कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए दिशाहीन करार दिया था। सुजय ने कहा था कि वो बीजेपी को जिताने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पुलवामा हमले के वक्त पीएम मोदी शूटिंग कर रहे थे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने वादा किया कि यदि उनकी सरकार बनती है तो वो गब्बर सिंह टैक्स हटा देंगे। पुलवामा में लोग शहीद हुए और देश के प्रधानमंत्री 3.5 घंटे उसके बाद मेकअप लगा के, बाल बना के वहां पे पोजिंग कर रहे थे ऐसे यू, और वहां पे उनकी फिल्मिंग हो रही थी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गंगा यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज मिर्जापुर के विंध्यवासिनी मंदिर में प्रियंका ने पूजा अर्चना की। हैरानी की बात है कि इस दौरान मंदिर में लोगों ने पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगाए। मंदिर में दर्शन के बाद प्रियंका भटोली घाट पर लोगों से मिली। प्रियंका ने सिंधौला घाट पर किसानों से भी मुलाकात की। इससे पहले प्रियंका ने कंतित शरीफ मजार पर जियारत की। उन्होंने यहाँ मत्था टेका और चादर चढ़ाई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। गंगा में बोट यात्रा के दौरान भदोही में उन्होंने कहा कि ये एक निर्बल सरकार है, ये सरकार लोगों की आवाज दबाती है। पिछले 5 साल देश में सिर्फ जुमलेबाजी की गई। इससे पहले प्रियंका गांधी ने सीतामढ़ी में सीता माता के दर्शन किए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के अमीरों के चौकीदार वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो गरीबों का पैसा खूब लूटा। जो जमानत पर हैं या कानूनी कार्रवाई झेल रहे हैं, केवल वो चौकीदारी से डर रहे हैं। जिनके पास छुपाने को बहुत कुछ है उन्हें परेशानी है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद के मुताबिक जो लोग सुख सुविधा और विलासिता में पैदा हुए हैं वो लोग बोल रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार हूं के अभियान पर विरोधियों की तल्ख टिप्पणियों पर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने करारा हमला बोला है। विज ने कहा है कि हमने अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है, तुम भी पप्पू रख लो। किसने रोका है? विज ने बाकायदा इसको लेकर ट्वीट भी किया जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा है, तुम अपने नाम के आगे पप्पू लिख लो, हम तो कोई इतराज नहीं करेंगे। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सुस्त पड़े रियल एस्टेट बिजनेस को रफ्तार देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। काउंसिल ने निर्माणाधीन बिल्डिंग के बिल्डरों को थोड़ी राहत दी है। निर्माणाधीन बिल्डिंग पर बिल्डर 12% जीएसटी के साथ इनपुट क्रेडिट ले सकते हैं। अगर कोई बिल्डर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेता है तो उसे 5% जीएसटी चुकानी पड़ेगी। बिल्डर्स को 5% जीएसटी का लाभ लेने के लिए जीएसटी रजिस्टर्ड दुकान से 80% मटेरियल खरीदना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन के बीच चल रहे सीट बंटवारे का विवाद सुलझ गया है। सूत्रों के मुताबिक महागठबंधन के नेता बुधवार को 11:30 बजे पटना के सीटों के बंटवारे का ऐलान करेंगे। सीटों के ऐलान के दौरान महागठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे ताकि जनता के बीच ये संदेश जा सके कि वो एक हैं। सूत्रों की माने तो बिहार में आरजेडी 20, कांग्रेस 9, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी 4, जीतन राम मांझी की पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर मुलायम यादव परिवार में टक्कर दिलचस्प होती जा रही है। खबर है कि शिवपाल यादव अपने भतीजे अक्षय यादव के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद से अक्षय यादव को उम्मीदवार बनाया है। अक्षय राम गोपाल यादव के बेटे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हमारे साथ और जो हमारा जो आज हमने गठबंधन बनाया है उसमें कोई भी आ सकता है। राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव में यूपी से 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। आरएलडी की तरफ से मुजफ्फरनगर सीट पर पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह चुनाव मैदान में होंगे। इसके साथ ही बागपत सीट से जयंत चौधरी प्रत्याशी होंगे। मथुरा से नरेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। एसपी बीएसपी गठबंधन में आरएलडी भी शामिल है और उसे यूपी में 80 सीटों में से 3 सीटें मिली हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने जेडीयू उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर पर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने पीके को बिहारी डकैत बताया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तभी उन्होंने के चंद्रशेखर राव पर क्रिमिनल पॉलिटिक्स करने का आरोप लगाया और प्रशांत किशोर को बिहारी डकैत करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहारी डकैत प्रशांत किशोर ने आंध्र प्रदेश से लाखों मतदाताओं को हटा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बन रही फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी लगातार चर्चा में है। पीएम नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव की फर्स्ट फेज की वोटिंग से पहले 5 अप्रैल को रिलीज किया जा रहा है। पहले फिल्म को लोकसभा चुनाव 2019 में फर्स्ट फेज की वोटिंग के ठीक बाद 12 अप्रैल को रिलीज करने की तैयारी थी। सोशल मीडिया में ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म के जरिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। मेकर्स ने फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में संदेश दिया गया है कि देशभक्ति ही मेरी शक्ति है। विवेक ओबेरॉय नरेंद्र मोदी की भूमिका निभा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सूबे में ओबीसी को 27% आरक्षण देने के कमलनाथ सरकार के फैसले पर जबलपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। आरक्षण के 50% से ज्यादा होने को आधार बनाकर याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी और इस पर रोक लगाने की मांग की थी। बीजेपी ने कमलनाथ पर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। झारखंड में लोहरदगा जिले के एडीएमओ का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खनन अधिकारी निरंजन प्रसाद खुलेआम दफ्तर में नोटों के बंडल लेते दिख रहे हैं। व्यापारी दुहाई दे रहे हैं कि सर होली का खर्चा अलग से दिया, अब और पैसे कहां से देंगे। उन्हें बहुत जगह पैसे देने पड़ते हैं। रुपए के लेन देन का वीडियो वायरल होने पर खनन पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। उत्तराखंड में हर आम और खास पर होली का रंग छाने लगा है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और डीडी हाट से विधायक बिशन सिंह चौफाल ने ढोल बजाकर होली मनाई तो वित्त मंत्री ने दी मजीरा बजाकर। होली का आयोजन पूर्व अध्यक्ष बिशन सिंह चौफाल के घर पर रखा गया था। अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र के वासियों को, पूरे प्रदेश के वासियों को ढेर होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
विशेष तौर पर पिथौरागढ़ में ब्रज और अवध की होली के अनुसार यहाँ भी होली खेली जाती है। बसंत पंचमी से हम सब लोग बैठकी होली का आयोजन करते हैं।